एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है, हमारा जो टॉपिक है, वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर है कि हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती है इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, और धीरे धीरे मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरा करूँगी, क्योंकि दिन में एक ही वीडियो अपलोड की जाती है। तो धीरे धीरे सबकी रिक्वेस्ट मैं पूरी करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। इससे क्या होगा कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी और हमारी जो है मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहा जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और उनका जो मिलन है वो धरती पर होता है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही खास होता है, बाकी सब रिश्तों से अलग होता है, क्योंकि अग्नि के समक्ष लिए गए जो वचन होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, जिनमें प्यार, संयम, समझदारी के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा होता है। तो इसीलिए तो जो पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो सबसे अलग होता है कि रिलेशनशिप में एक सबसे अहम बात जो होती है विश्वास। एक दूसरे के विश्वास को हमें हमेशा कायम रखना चाहिए, कभी भी एक दूसरे को विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें कोई भी जो बात है अपने हस्बैंड से या वाइफ से नहीं छुपानी चाहिए, और अगर कोई बात भी हो तो हमें डायरेक्ट अपनी हस्बैंड से या अपनी वाइफ से शेयर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आके कोई बात हस्बैंड को या वाइफ को बताए। तो इन सब छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना, अगर हम करते हैं लाइफ में, तो इनसे हमारा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होता है। तो डायरेक्ट एक दूसरे से बात करें, अगर कोई भी बात है तो बस विश्वास को बनाए रखें एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विश्वास को कभी ना तोड़ें, कायम रखें, और एक दूसरे के लिए हमेशा अपने प्यार को कायम रखें, और कुछ ना कुछ नया करते रहें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए। जैसे एक दूसरे को सरप्राइज़ देते रहें समय समय पर, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या आप फर्स्ट टाइम कभी मिले, जब मिले थे उस दिन को आप सेलिब्रेट करें अलग तरीके से, कभी कभी कैंडल लाइट डिनर आप कर सकते। तो ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं, कई छोटी छोटी नई नई चीज़ें होती हैं जो आप एक दूसरे के लिए करके और अपने प्यार को जो है कायम रख सकते हैं। तो यही बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो मजबूत बनता है, डे बाई डे मजबूत होता रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सी खट्टी मीठी बातें, नोकझोंक होती हैं। इन्हीं सब बातों से तो जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो स्पेशल बनता है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सबसे पहले तो समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, यही बस इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लाइफ को खुशगवार बनाने के लिए। और सबसे अहम बात जो होती है वो होती है कि एक दूसरे को बराबर समझे, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, पति पत्नी में दोनों ही बराबर हैं, ना पति की वैल्यू ज़्यादा होती है ना पत्नी की वैल्यू कम होती है, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और इस बात को तो स्वयं शिवजी और पार्वती जी ने भी अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके समझाया है, इसीलिए समझाया है कि कोई कम या ज़्यादा नहीं है, पति पत्नी जो औहदा है वो बराबर है, समान है। तो पति पत्नी दोनों ही बराबर होते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, जैसे जो हस्बैंड होते हैं वो काफ़ी डोमिनेटिव होते हैं, वाइफ को हर चीज़ उनसे पूछ कर करनी होती है। तो ऐसा नहीं है, वाइफ को भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए अपनी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजन लेने के लिए। हाँ, शेयर ज़रूर करना चाहिए अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ कि वो क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में। तो सब दोनों को फ्रीडम
होनी चाहिए अपने डिसीजन लेने के लिए, शेयर करें एक दूसरे से, मिल बैठ कर शेयर करें और फिर कोई डिसीजन लें। ये नहीं हो कि हाँ कि पत्नी हस्बैंड से पूछेगी फिर ही कोई चीज़ ले पाएगी या कोई डिसीजन ले पाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही बराबर होते हैं और दोनों अपनी लाइफ से जुड़े डिसीजन जो होते हैं मिल बैठ कर एक दूसरे की सहमति से उन्हें डिसीजन लेना चाहिए, तभी जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो मजबूत होता है। मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि पुरुष प्रधान घर होते हैं और वहाँ पर महिलाओं को काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, तो इस ऐसे घरों में ही मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ख़राब होता है ज़्यादातर, मैंने ऐसा देखा है। इसी तरीके से समय समय पर हमें एक दूसरे की तारीफ़ भी करनी चाहिए। हस्बैंड को अगर पत्नी ने कुछ अच्छा बनाया है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, या पत्नी कहीं हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं तो पत्नी की तारीफ़ करनी चाहिए। बस ये छोटी छोटी बातें होती है, या हस्बैंड आपको अच्छे लग रहे हैं या उन्होंने कुछ न्यू शर्ट वगैरह पहनी है तो हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। इन्हीं से हमारे जो रिश्ते में क्या है नयापन रहता है। या कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि उनको टिफ़िन में कुछ ऐसा अलग सा लिख के दे देती हूँ तो उनका फिर कॉल आता है, तो इन सब चीज़ों से नयापन रहता है हमारे रिलेशनशिप में। जैसे मैं आपको मेरा और मेरी सिस्टर का ही एक एग्जांपल दूंगी, जैसे वैलेंटाइंस डे हो गया या कोई स्पेशल डे हो गया, जैसे हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो वर्किंग डे ही होता है तो उसमें हम इवनिंग टाइम में ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ कि उनको टिफ़िन में कुछ स्पेशल लिख के देती हूँ और जब वो टिफ़िन खोलते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है, और इसी तरीके से इवनिंग में जब वो आते हैं तो ड्रेसिंग टेबल में कुछ स्पेशल लाइंस उनके लिए लिखती हूँ। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने जो रिश्ते को नयापन दे सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, उनमें नयापन लाती हैं और हमारे प्यार को और बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच में मतलब झगड़े नहीं होते, लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, नोक झोंक भी होती है, और पति पत्नी का रिश्ता तो छोटे बच्चों की तरह होता है। छोटे बच्चे जो फ्रेंडशिप फ्रेंड्स होते हैं ना उनकी तरह होता है, थोड़ी देर में लड़ाई हुई फिर थोड़ी देर में पैचअप हो गया, इस टाइप का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, झगड़ा होता है, थोड़ी देर हम एक दूसरे से मुँह फुलाते हैं और फिर वापस से बोलने लगते हैं, हंसने बोलने लगते हैं। तो इसी तरीका ये तरीके का जो रिलेशनशिप है सभी हस्बैंड वाइफ का होता है, तो हर किसी का रिलेशन ऐसा ही होता है, इसीलिए तो ये रिलेशन सबसे अलग सबसे खास होता है। तो पति पत्नी का जो रिलेशन है उसको हमेशा नया बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस उन्हें ही हमें ध्यान में रखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो एक दूसरे को समय दें, ठीक है। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं या कोई भी जॉब आपके करते हैं तो हस्बैंड को भी ये सोचना चाहिए कि 8 से 10 घंटे वो जॉब करके आते हैं तो उसके बाद सीधा पत्नी के साथ थोड़ा बैठकर टाइम स्पेंड करना चाहिए, और पत्नी को भी उस टाइम सारे घर के काम छोड़कर थोड़ी देर हस्बैंड के साथ टाइम बिताना चाहिए। और इसी तरीके से अगर कोई छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती है तो माफ़ी मांगना सीखें, सबसे बड़ी बात एक दूसरे से माफ़ी मांगना सीखें। ये नहीं है कि हाँ हस्बैंड है तो ईगो आ गया कि मैं हस्बैंड हूँ मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर दोनों में से ही अगर किसी की भी गलती है तो हमें सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए, छोटा सॉरी हो गया या कोई स्पेशल लाइन हो गई, ये सब बोलने से क्या हमारा जो रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत होता है। मैं तो कभी कभी मेरी गलती नहीं भी होती है तो भी कभी कभी सॉरी बोल देती हूँ ताकि जो है हस्बैंड मान जाए। हालांकि ज़्यादा हम लोग ऐसे रूठने मनाने वाला नहीं चलता हम लोगों में, लेकिन फिर भी कभी अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं और हमारे रिश्तों में भी गहराई आती है। इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम रहते टाइम टाइम पे सरप्राइज़ भी देना चाहिए। कभी सरप्राइज़ आप दे दें कि पत्नी को ना बताएं, अचानक बस तैयार होने को कहें और उन्हें डिनर के लिए ले जाएं, या कोई छोटे मोटे गिफ्ट आप दे सकते हैं, या तो जो पत्नी को पसंद है वो चीज़ आप ला के दे सकते हैं, या हस्बैंड को जो चीज़ पसंद है वो आप गिफ्ट दे सकती हैं अपने हस्बैंड को। तो ये बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे एक दूसरे का विश्वास बनाए रखें, माफ़ी मांगना सीखें, एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, और एक दूसरे के लिए सरप्राइज़ प्लान करें। यही बस छोटी छोटी 4-5 पॉइंट्स हैं, इन्हीं से जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो मजबूत होता है और खूबसूरत होता है, डे बाय डे खूबसूरत होता रहता है।
सो फ्रेंड्स, मैंने जितना 10 सालों में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझा है, सीखा है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे हिसाब से पति पत्नी का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो प्रेम, त्याग, समर्पण और विश्वास पर टिका होता है। बस ये 3 से 4 चीज़ें या बातें होती हैं, इन्हीं से हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो मजबूत होता है और हमारा प्यार जो है दिन ब दिन बढ़ता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।